नमस्कार, मैं भाग्यश्री ढोंगे वीकेबी न्यूज की हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाविकास आघाड़ी की आज होगी बैठक, उद्धव ठाकरे भी होंगे शामिल। राज्य की सुरक्षा पर भाजपा सरकार का ध्यान नहीं, मानसून सत्र में नाना पटोले की प्रतिक्रिया। और नागपुर में स्वाइन फ्लू के मामले 200 के पार, 10 लोगों की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। महाविकास आघाड़ी की बैठक आज 23 अगस्त को होगी। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। इसके अलावा इस बैठक में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता शामिल होंगे। यह जानकारी विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार ने दी है। बैठक शाम करीब 5:30 बजे से 6 बजे तक होगी। बैठक में महाविकास आघाड़ी के भविष्य और विधायिका रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मुंबई के मशहूर 5-स्टार ललित होटल को बम की धमकी मिली है। एक अज्ञात व्यक्ति ने होटल में फोन कर यह धमकी दी। इस धमकी के बाद पुलिस व्यवस्था सतर्क हो गई है। पुलिस ने कॉल करने वाले आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस धमकी के बाद होटल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गोंदिया स्थानीय तहसील कार्यालय में 22 अगस्त दोपहर 3 बजे इंद्र कुमार मेघवाल दलित छात्रों को मुख्याध्यापक द्वारा जातीय द्वेष कारण हत्या का मामला में समिति के सभी पदाधिकारी प्रामुखता से उपस्थित थे। मेघवाल की हत्या के विरोध में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पुतले के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया तथा SDPO परनीता पाटिल को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन दिया। इंदर मेघवाल के वो जो छोटा सा छात्र था क्लास 3 में, और वो मटके का पानी पीने गया तो मुख्याध्यापक ने उसको इतना मारा कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। ये बहुत ही बुरा हुआ है। तो इसीलिए हम सारे समाज को ये आह्वान करना चाहते हैं कि जब तक हम साथ में एक नहीं आएंगे, इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो हमको न्याय नहीं मिल सकता। वैसे भी ये जातीयवादी सरकार ने SC कम्युनिटी पर या जो भी कम्युनिटी है उस पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, और उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम अभी SDM कार्यालय में जाकर निवेदन दे रहे हैं। इसीलिए इंदर मेघवाल को न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। 75वां सुवर्ण महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में अगर आज भी हमारे छोटे छोटे बच्चे मारे जाते हैं सिर्फ पानी की वजह से, तो मैं सोचती हूँ कि इस देश से अभी भी छुआछूत खत्म नहीं हुई है। और मैं तमाम सभी बहुजन साथियों से ये निवेदन करती हूँ कि जब तक आप ये हिंदू धर्म नहीं छोड़ोगे, और बाबा साहब ने जो क्रांति लाई है जिसकी वजह से हम बाबा साहब के रास्ते पर चलकर उद्दिष्ट हुए हैं, और इसकी वजह से बहुतों के ऊपर उतने अत्याचार नहीं होते हैं, और जब तक ये देश में अलग अलग जाति के लोग जो 6,000 जातियों में बटे हुए लोग हिंदू रहेंगे, तब तक इन पर ये अत्याचार होते रहेगा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या BJP की सरकार हो। मैं पूरे देश से ऐलान करती हूँ कि आप सब जाति के नाम पर इकट्ठा न आते हुए इस देश में जो जातिवाद चल रहा है उसके अगेंस्ट में एकता होकर एकजुट से सामाजिक परिवर्तन का काम करें, और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक ही धम्म को अपनाना होगा, और वो है बौद्ध धर्म। जब तक आप बुद्धिस्ट नहीं होगे, तब तक ऐसे इंद्र हर गली में, हर गांव में, हर शहर में मारे जाएंगे। इतना बोल के मैं मेरे दो शब्द समाप्त। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन,
मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और साउजी खाना, और साउजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं साउजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक साउजी खाना। मसालों में मसाले, अहिरकर ग्रुप के साउजी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। 25,000 रूपए कोटि की पुरवनी मांगे राज्य सरकार ने सामने रखी। राज्य में बारिश से किसानों का भारी नुकसान हुआ, किसानों के घर टूट गए। फिर भी किसानों के स्थिति के बारे में सरकार कुछ बोल नहीं रही है। और राज्य में मुंबई के ट्रैफिक पुलिस को आतंकवादियों के व्हाट्सएप मैसेजेस आते, ऐसे में महाराष्ट्र के सुरक्षा में ध्यान न देने का काम भाजपा सरकार कर रही है। ऐसी प्रतिक्रिया कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने दी है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के एडी भाजपा सरकार ने जो पुरानी बजट रखा उसमें किसानों के बारे में एक भी पैसे का प्रयोजन नहीं किया। महाराष्ट्र में ओलावृष्टि की वजह से बड़े पैमाने में किसानों का नुकसान हो चुका है, बड़े पैमाने में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल वर्धा डिस्ट्रिक्ट के एक युवा किसान ने बिजली की तार अपने मुंह में डालकर खुद को सुसाइड किया। इतनी भयावह मौत किसान यहाँ पर कर रहा है, और ऐसे समय में राज्य की सरकार अपनी मस्ती में, अपनी ही दादागिरी में यहाँ चल रही है। एक दूसरा, आपने देखा होगा कि मुंबई के ट्रैफिक पुलिस को आतंकवादियों का व्हाट्सएप आ रहा है, मुंबई पे हमला करने की बात की जा रही है। थोड़ी दो दिन पहले ही आपने देखा होगा कि रायगढ़ के समंदर में AK-47 और स्फोटक वहाँ पर मिली, और वो कहाँ गए कि वो नाव गलती से इधर आई है। तो क्या ये सब चीज़ों को देखकर अब महाराष्ट्र और सुरक्षित नहीं है? 26/11 की यादें आज भी जिंदा है, और ऐसे समय में राज्य की ईडी की सरकार, भाजपा प्रणित सरकार, जिस तरह से राज्य की जनता पे अन्याय कर रही है, उसको पूरा घेर कर महाराष्ट्र की जनता को न्याय देने की भूमिका महाविकास आघाड़ी करेगी, उसकी मीटिंग। उमरखेड़ तालुका के विदुल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुपस्थिति में एक महिला ने शिशु को जन्म दिया और नवजात शिशु की मौत हो गई। प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 2 चिकित्सा अधिकारियों और 1 स्वास्थ्य नर्स को निलंबित कर दिया है, जबकि 3 स्वास्थ्य सहायकों को और 1 दवा निर्माण अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा विदुल के तालुका स्वास्थ्य अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नागपुर जहां अब तक कोरोना महामारी से हिल चुका है, वहीं अब यह स्वाइन फ्लू से पीड़ित है। जहां कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है, वहीं स्वाइन फ्लू के मरीजों की बढ़ती संख्या ने चिंता और बढ़ा दी है। स्वास्थ्य समिति की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 10 मरीजों की मौत हो चुकी है और कुछ की आशंका जता रही है। अब मरीजों की संख्या 211 हो गई है और कुछ मरीजों का इलाज किया जा रहा है।
शहर में स्वाइन फ्लू के मरीजों के नए सामने आए आंकड़े के मुताबिक शहर में स्वाइन फ्लू के 129 मरीज और ग्रामीण इलाकों में 82 मरीज कुल 211 मरीज सामने आए हैं। फिलहाल शहर में 42 और ग्रामीण क्षेत्र में 57 मरीज 99 मरीजों का इलाज चल रहा है। फिलहाल 4 की हालत गंभीर है। इसी नई बैठक में हुई मृत्यु विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार शहर में 3, ग्रामीण में 1, मध्य प्रदेश के शिवनी में 1 जैसे कुल 1 मरीज की मौत हुई है। इस मौत में शहर के 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला और एक 31 वर्षीय ग्रामीण महिला की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग संदिग्ध स्वाइन फ्लू होने से होने वाली मौत का साप्ताहिक डेट ऑडिट करता है। अब तक हुई मौतों में से नागपुर शहर में 6 और ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य जिलों में 2 और राज्य के बाहर 2 सहित 10 लोगों की मौत हो चुकी है। बैठक में पता चला है कि मरने वाले 3 अन्य मरीजों में से 10 मरीजों की मौत का कारण स्वाइन फ्लू था। मुंबई में 22 साल के गोविंदा की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस मृत युवक का नाम संदेश दलवी है। पता चला है कि यह युवक विलेपार्ले का रहने वाला है। अपने ही मित्र के निधन से गोविंदा की टीम शोक में है। मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने आश्वासन दिया है कि मृतकों के परिवार को तत्काल 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो वीकेबी न्यूज की प्राइम टाइम न्यूज में अब बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।